हताश सा, निराश सा, जिंदगी से थोड़ा परेशान सा, आज फिर उसके दर पे जा पहुंचा बनके एक सवाली। हताश सा, निराश सा, जिंदगी से थोड़ा परेशान सा, आज फिर उसके दर पे जा पहुंचा बनके एक सवाली। और इत्तफाक देखो भाई साहब, चाय नाश्ता निपटा के ऊपर वाला भी बैठा था खाली। अब इस बात से अनजान मुझे लगा ये तो जवाब देगा नहीं, तो हर बार की तरह अपने दुखों का पिटारा खोल खाल के जो मन में आया बोल बाल के चप्पल चटकाता हुआ निकल जाऊंगा आज फिर सब उसी के सर पे डाल के। चूंकि मूर्ति में भाव का अभाव था तो मैं यह देख नहीं पा रहा था कि वो सामने मस्त पालथी मारे बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं हौले हौले अंदर आया, सर झुकाया, टीका लगाया और एक लंबी सांस ली। फिर कहीं कुछ छूट ना जाए तो शिकायतों की सूची मन ही मन दोहरा भी ली। फिर एक सुर में जो चालू हुआ तो भाई साहब बंद ही ना हुआ, बोलते बोलते जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया। शुरुआत बड़ी उम्दा हुई थी, शिकायतें वाजिब और चुनिंदा हुई थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं भावनाओं में बहता गया, गिनती बढ़ती गई शिकायतों की और शिकायतों का स्तर गिरता गया। पहले कुछ अधूरे ख्वाब थे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें थी, कुछ अनकही दास्तानें थी तो कुछ अनसुने किस्से थे। फिर कारवां बढ़ चला, कुछ दर्द कुछ आंसुओं पे जो आए हमारे हिस्से थे। फिर गाड़ी बढ़ी तो जा पहुंची एक तरफा प्यार पे, एक तरफा प्यार से क्रिकेट मैच की हार पे। फिर तो मैंने नैतिकता की सारी हदें पार कर दी, इंसानियत की सारी सरहदें पार कर दी। बोला परसों आधे दाम में बिकी रद्दी का, कल चमड़े के चप्पल की टूटी बद्दी का, मेरे बिगड़े हुए भूतकाल का, अधर में लटके भविष्यकाल का, पैरों में पड़े छाल का और उस फटे हाल का जिम्मेदार तू ही है। मुझे बनाते वक्त तू सो गया था या मेरी किस्मत लिखते वक्त कहीं खो गया था। मैं ही क्यों जिसे चैन आता नहीं है, मैं ही क्यों जिसका सुकू से कोई नाता नहीं है, यहाँ रात रात भर साली नींद नहीं आती। मैं ही क्यों जिसे चैन आता नहीं है, मैं ही क्यों जिसका सुकू से कोई नाता नहीं है, मेरे ही हर रास्ते में मुश्किलें सीना थाड़े ताने खड़ी हैं, यहाँ रात रात भर साली नींद नहीं आती और तकदीर है कि पता नहीं कब से सोई पड़ी है। तेरे पास कोई व्याख्या है ही नहीं तो तू कहाँ कुछ बोल पाएगा, तेरे पास वो तराजू है ही नहीं जहां तू मुझे सही गलत में तोल पाएगा। देख तेरा सच्चा भक्त आज घुटनों के बल मत्था टेके यहां बैठा है और तू आज भी इस कदर बैठा है। होनी होती तो कब की हो जाती, कुछ अनहोनी तो कर दे, दूसरों की दुकानें सजाना छोड़, मेरे गल्ले की बोनी तो कर दे। यह सुनकर उसके सब्र का बांध टूट गया, कमान से तीर छूट गया और बरसों पुरानी उस मूक मूरत से आज एक स्वर फूट गया। बोला बस बहुत हो गई बकवास, काहे का भक्त हट, अब कयामत का इंतजार नहीं, तेरा हिसाब आज होगा। या तो आज सब कुशल मंगल होगा, नहीं तो बेटा बहुत हो गई पहलवानी, अब दंगल होगा। यह सुनकर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया, पैरों के तले जमीन खिसक गई, आंखें खुली की खुली रह गई और जान हलक में आके अटक गई। बोला पहले अपने आंखों से नफरत की पट्टी तो हटा, नजरिया बदलने का तकल्लुफ तो उठा, हर घटनाक्रम में कुछ अच्छाई छुपी है ये देखने की जहमत तो कर, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा थोड़ी मेहनत तो कर। अरे तुझे जिसे भूलना चाहिए उसे तू पाल के बैठा है, तुझे जिसे भूलना चाहिए उसे तू पाल के बैठा है, जवाब तेरे सामने है पर तू बिना सवाल के बैठा है। तेरी शिकायतों की तो इतनी हैसियत ही नहीं कि उन्हें शिकायत का दर्जा दिया जाए, और तेरी तो खैर नीयत ही नहीं तो कहां से कुछ बदल जाए। तेरी रुचि सिर्फ और सिर्फ समस्या को लेकर रोने में है, ना कि उसका समाधान खोजने में। तू दुनिया का सबसे दुखी इंसान है, सारी ऊर्जा लगा दे केवल यही सोचने में। यहां सुख दुख के ताने बाने से कोई नहीं आजाद है, सबके अपने अपने दुख हैं, ये वक्त वक्त की बात है। कोशिश करे बिना मुश्किलें पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना यही बात सदा कि हिम्मत-ए-मर्दा तो मदद-ए-खुदा। शुक्रिया।